हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रतिभा। मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है व्रत का पराठा, जिसे हम सिंघाड़े के आटे से बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। व्रत का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले डो तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने 3 बड़े साइज के उबले हुए आलू लिए हुए हैं। तो आलू के हमें इस तरह से ग्रेट करके लेना है। तो ध्यान रखें, आप इसे मैश करके ना लें, ग्रेट करके अगर आप लेते हैं तो जो पराठा बनाएंगे वो टूटता नहीं है। इसमें डालेंगे हम 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा। आप चाहें तो इसमें जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। अब हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से इसमें डालेंगे सिंघाड़े के का आटा। आप सिंघाड़े के आटे की जगह कुट्टू का आटा भी डाल सकते हैं। आटा इतना डालना है कि ये अच्छे से बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार हो जाए। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। लास्ट में हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो ये देखिए, हमने नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके डो तैयार कर लिया हुआ है। और इस आटे को लगाने में हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है, सिर्फ आलू के मॉइस्चर से ही आटा तैयार किया हुआ है। तो ये आटा हमारा तैयार है, इसकी हम लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके 4 पराठे बना रही हूँ। पराठे आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसे सिंघाड़े के आटे में थोड़ा सा लगा लेंगे सूखा आटा, और इसे इस तरह से बेल लेंगे। तो जितना पतला हो सके उतना बेल लें। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है, क्योंकि हमने इसमें आलू जो लिया था वो अच्छे से ग्रेट करके लिया हुआ था, जिससे कि थोड़ी सी चिकनाहट आ जाती है। तो मैं इसे लेयर्ड पराठा बनाऊंगी, इसलिए अच्छे से बेलने के बाद हम इसमें पूरे में अच्छे से घी लगाएंगे। और इसके बाद, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, उस तरह से हमें पराठे को फोल्ड कर देना है। ये देखिए, इसी तरह से हम इसे इस तरह से भी फोल्ड कर देंगे, क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा चौकोर शेप में बना रही हूँ। आप तिकोने में भी बना सकते हैं, गोल में भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगे वैसे बना सकते हैं। फिर से हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे बहुत ही हल्के हाथों से उठा उठा के बेल लेंगे, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है। सिंगाड़े के आटे में ग्लूटेन फ्री आटा होता है, तो ये टूट सकता है, इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक बेलें। तो देखिए, हमने पराठा बेल के तैयार कर लिया हुआ है, और इसे हमने तवे में रखा हुआ है। तवा गर्म है, अभी हमने इसमें घी ऑयल कुछ भी नहीं लगाया है। जब एक साइड से ये हल्का सा पक जाएगा, हम इसे टर्न कर देंगे और इसके बाद हम इसमें लगाएंगे घी। आप घी की जगह ऑयल भी लगा सकते हैं, आप जो भी ऑयल व्रत में खाते हो वो लगा दें। तो एक साइड पे हमने घी लगा दिया हुआ है, अब दूसरे साइड पे भी टर्न करके दूसरे साइड में भी घी लगा देंगे अच्छे से, और पराठे को दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक सेक लेंगे। तो देखिए, हल्का सा प्रेस करके सेकेंगे दबा के, जिससे कि ये इवनली बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा एक पराठा बन के तैयार है। इसी तरह से हम बाकी के सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे फलाहारी आलू के पराठे बनके तैयार हैं। आप इसे अपनी पसंद की चटनी या चाय के साथ एंजॉय करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि।